दोस्तों नमस्कार, मैं बीसी पटेल ओपीटी सेल का एक जबरदस्त एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ, जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एमसीक्यू है। 100% ओपीटी सेल का एग्जाम का लायक है ये। और ये टाइम तो बहुत कम है, आपने मेरी इजी इलेक्ट्रिकल चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर तो जरूर करिएगा। ये जो क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट, इसमें तो आना ही आना है 3-4 मार्क का, तो इसीलिए मैं जो मेन इंपॉर्टेंट है 10 क्वेश्चन लिया हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज, ये पूछ रहा है द यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज क्या होता है, जो कैपेसिटी रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है। नंबर 1 क्वेश्चन है, ये बहुत सस्पेंस करने वाले क्वेश्चन है। देखिए ये होता है ओम, आप ओम होता है, ये होता है ओम, तो यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ओम, क्योंकि वाट पावर का होता है, फैराड आपका कैपेसिटेंस का होता है। देखिए नंबर 2 में देखते हैं टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, ये मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक सब्सट्रैक्शंस, ये आता है नंबर जो 2 का आंसर होता है दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, नंबर ए आता है उसका राइट आंसर। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका राइट आंसर होगा नंबर ए। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। नंबर 3 में देखते हैं, नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बारे में भी जान जाते हैं। देखिए क्या होता है, यूनिट से आना ही आना है। नंबर 3 देखते हैं, फैराडे पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, ये पूछ रहा है फैराडे पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, फैराडे का पर मीटर यूनिट ऑफ क्या होता है। परमिटिविटी, नंबर ए उसका राइट आंसर होगा। रिटेंटिविटी तो नहीं हो सकता है, रिलुक्टेंस भी नहीं हो सकता, कि रेजिस्टेंस भी नहीं हो सकता है, क्योंकि रिटेंटिविटी उसका ऑपोजिट होता है, रिलुक्टेंस रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा परमिटिविटी। नंबर ए उसका राइट आंसर है फैराडे पर मीटर द यूनिट ऑफ परमिटिविटी, नंबर ए उसका राइट आंसर है मेरे हिसाब से, और मैं उसको टिक करूंगा। जो नंबर 3 वाला क्वेश्चन है, ये मोर इम्पोर्टेंट है, जो कि ओपीटीसीएल में आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है, वो दे सकते हैं यूनिट से, उसका राइट आंसर है नंबर ए परमिटिविटी। देखिए क्या होता है, ये सब यूनिट से 2 मार्क तो आता ही आता है कहीं भी एग्जाम में। नंबर 4 देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ द सस्पेक्टेड इज, क्या होता है ये, इसका एसआई यूनिट पूछ रहा है। सस्पेक्टेंस इज क्या, ओम्स, सीमेंस, वीआर, केडब्ल्यूएच, देखिए इसमें सस्पेंस कर रहा है बी और सी को, कि इसका राइट आंसर बी और सी हो सकता है, सीमेंस भी हो सकता है, वीआर भी हो सकता है, लेकिन ये एसआई यूनिट पूछ रहा है, जो एसआई यूनिट सस्पेक्टेबल का पूछ रहा है, तो ये होता है नंबर सी, उसका राइट आंसर होगा वीआर, तो मैं क्या करूंगा, उसको सी को टिक करूंगा। ये सस्पेंस करेगा आपको बी और सी में, ये क्वेश्चन जो है नंबर 4 क्वेश्चन आपको सस्पेंस करेगा बी और सी में, लेकिन इसका राइट आंसर होता है बी, सीमेंस, इसका राइट आंसर होता है बी, उसका राइट आंसर होता है बी, सॉरी मैंने आपको सी बोला था, लेकिन इसका राइट आंसर होता है बी। नंबर 5 क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर इज, ये देखिए रिएक्टिव पावर आता है तो वी आर होता है, रिएक्टिव पावर वी आर होता है। आपने नंबर 5 क्वेश्चन को देखिए कि द यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर इज वी आर, राइट आंसर है, वाट पावर का होता है, केडब्ल्यूएच एनर्जी का होता है, ओम्स आपका रेजिस्टेंस का होता है, लेकिन वी आर जो होता है रिएक्टिव पावर में आता है, ये रिएक्टिव पावर में आपका जो प्योर पावर आता है वाट आता है, देखिए रिएक्टिव पावर आता है आपका वी ए आर। 5 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वी ए आर, उसको टिक करिए आपने, जो वी ए आर है, मैं अभी 4 क्वेश्चन थोड़ा सा गलत बोल रहा था, लेकिन वो बात मैं सही कर दिया हूँ, ये आता है नंबर 5 क्वेश्चन में, रिएक्टिव पावर इज वी ए आर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए ये क्वेश्चन, सीमेंस इज द यूनिट ऑफ, अभी हमने पहले बता रहे थे, देखिए सीमेंस क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, रिलुक्टेंस, रिटेंटिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस। देखिए इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन किया था कि सीमेंस
किसका सबसेस्टेबल का यूनिट था, लेकिन इसमें सीमेंस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस का होता है ये। सीमेंस किसका यूनिट होता है? कंडक्टेंस। आपने जान लीजिए नंबर 6 नंबर क्वेश्चन होता है जो यूनिट होता है, ये आ सकता है। ये मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप नेगेसिबल मत करिएगा, ये फिट कर सकता है ओपीटीसी एग्जाम में, फिट करने का लायक भी है क्वेश्चन। तो नंबर 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है सी, कंडक्टेंस। नंबर 6 नंबर का सीमेंस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, मैं उसको टिक करूंगा कंडक्टेंस को, इसमें डाउट नहीं है। और एग्जाम में आया तो आप भी कंडक्टेंस को टिक करिए, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है। देख लीजिए नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अभी क्या है, मैं उसको इसीलिए मैं जो मेन इंपोर्टेंट है यूनिट उसका लेके गया हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन है सी फॉर एस मे बी द यूनिट ऑफ ए पब्लिक एन, क्या होता है सी कॉलम पर सेकेंड का क्या होता है, मे बी द यूनिट ऑफ ए एन, ए एन आता है तो ये आंसर होता है इलेक्ट्रिकल करंट को ये डोनेट करता है, कॉलम पर सेकेंड में भी तो यूनिट होता है आपका इलेक्ट्रिकल करंट। एनर्जी तो हो ही नहीं सकता, रिलूटेंस हो ही नहीं सकता, रेजिस्टेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन भी फिट कर सकता है। नंबर 7 नंबर क्वेश्चन भी मोर इम्पोर्टेंट है ओपीडी सेल के लिए, ये क्वेश्चन भी फिट कर सकता है। तो आप इसको नंबर 1 को चेस करिए, इलेक्ट्रिकल करंट को ये डोनेट करता है। नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कॉलम पर सेकेंड में भी द यूनिट ऑफ ए एन इलेक्ट्रिकल करंट में आता है ये। अब देखते हैं दोस्तों नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये आ सकता है, नोट कर लीजिए। कूलम इज द यूनिट ऑफ, कूलम का यूनिट हमेशा होता है चार्ज, पहले ही बता दिया हूं। नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, करंट नहीं होता है, एम्पियर का होता है, रेजिस्टेंस ओम का होता है, और इंडक्टेंस आपका मो का होता है। देखिए क्या होता है, जो कूलम बोल रहा है उसका यूनिट होगा ए, ये चार्ज होगा यूनिट। आपने टिक कर दिया चार्ज को, डाउट करने का जरूरत नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन, मैं 10 क्वेश्चन लिया हूँ उसमें जिसके में 2-3 नंबर का आ सकता है, ज़्यादा क्वेश्चन लिया नहीं हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूँ। देखिए नंबर जो 8 क्वेश्चन का है, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, इसको आपने चार्ज को टिक करिए, नो डाउट है, मैं तो टिक करूँगा ही, आप भी टिक कर लीजिए चार्ज को। क्या होता है जो यूनिट होता है ना, इसमें आना ही आना है 2-3 नंबर का, ये चार्ज होता है, इसका राइट आंसर है चार्ज। नंबर 9 नंबर देखते हैं, 9 नंबर का जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ऑफ यूनिट का जो 9 नंबर देखते हैं हमने, 9 नंबर में क्या आएगा उसके बारे में जान लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़े होंगे। इसमें अगर ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है, फिर भी मैं ले लिया हूँ, ये ओम होता है द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का, उसका जो राइट आंसर होगा डी, ओम होता है। और आप भी ओम में टिक करिए, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होता है, हेनरी हो ही नहीं सकता, फराट हो ही नहीं सकता, वार्ड हो ही नहीं सकता, ओम होता है जो रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी। लेकिन मैं ये क्वेश्चन को लिया हूँ, इसमें दम नहीं है क्वेश्चन में, फिर भी मैं लिया हूँ, क्योंकि अगर आ जाए तो आपने बोलेंगे कि रेजिस्टेंस का यूनिट ही नहीं दिए थे, इसीलिए मैं ले लिया हूँ। देखिए नंबर लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपने, अब नेक्स्ट आने वाला है जो, अब नेक्स्ट करते हैं। नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ पावर, दम है इसमें थोड़ा सा। देखिए पावर का क्या होता है, वाट होता है, वाट ये आएगा वाट। नंबर 3 राइट आंसर है द यूनिट ऑफ पावर, हेनरी नहीं है, फैराड नहीं है, वाट है, ओम है, तो इसका आएगा राइट आंसर वाट, आपने टिक कर लीजिए, वाट है राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी इलेक्ट्रिकल, आपने टिक करिए, राइट करिए और एग्जाम अच्छे से दे दीजिए कि वाट है राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी इलेक्ट्रिकल।